आज हम लोग एक स्पेशल स्टूडेंट से आपको मिलाना चाह रहे हैं, जो भी ऑलरेडी अपने साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग वेलकम करेंगे वैभव सचदेवा को। वैभव हेलो सचदेवा, हेलो वैभव। सर। वैसे वैभव का इंट्रोडक्शन कर दें, ही इज ऑल इंडिया रैंक 32 इन रीसेंट सीएमए एग्जामिनेशन। भाई बाकी स्टूडेंट्स आप लोग वेलकम करोगे कि नहीं करोगे, एक बार अनम्यूट करके वेलकम कर दो बस वैभव को। वेलकम वेलकम सर। कांग्रेचुलेशन। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू एवरीवन। वेलकम। वेलकम। ओके वैभव, सचदेवा का नाम रोशन कर दो। अभिषेक कौन है? अभिषेक सचदेवा आपसे जुड़े हुए क्या वैभव? अच्छा, मेरे को लगा वैभव का भाई है। चलो वेरी नाइस। तो आज इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा बैकग्राउंड में, लेकिन मेरे साथ भी इधर दो जन और बैठे हुए, तो आप लोग पास आके अपना चेहरा दिखा दीजिए। तो हम लोग सब वैभव से मिलने आए हैं टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट हैज बीन हिज जर्नी, व्हाट इज द सीक्रेट सॉस ऑफ गेटिंग अ रैंक। ऑलराइट वैभव, हाउ आर यू? कहाँ I'm से good, हो? sir. Thanks for asking and how are you? आई एम ऑल्सो सुपर सुपर फाइन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। तो अभी मेरे को ये बताओ कि आप कहाँ से हो और आपके सीएमए की जर्नी के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उसके पहले ये बताओ आप कहाँ से हो, आपकी उम्र क्या है। मैं जो जो क्वेश्चन पूछूँ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे, विद इन द सिलेबस क्वेश्चन होंगे, नो प्रॉब्लम सर। रिविजन का कोई दरकार नहीं है, बट आप उसको आंसर करने का कोशिश करो। एब्सोल्युटली सर। तो कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली ओके, आपका एज क्या है? सर। माय एज इज 25 इयर्स। 25 सर। क्या बोल रहे हैं? 25 25? अच्छा, मेरे को 45 सुन रहा था। हम लोग को सच में 45 सुन रहा था ना, ये क्या बोल रहा है भाई, मेरे से 25 साल। 25 ज्यादा यंग साल लग रहा है। 45 बोल रहे कि 25? वेरी नाइस, इज 25 साल। देयर एनी लाइक इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माय वॉइस? आई कैन लाइक स्लो डाउन द फैन अ लिटिल बिट। एवरीथिंग इज ओके, इट्स जस्ट कई बार होता है ना, फर्स्ट टाइम किसी से बात करते हैं तो उनका एक्सेंट और पिच सबका यूनिक होता है, तो समझने में कई बार ऐसा लगता है। और वैसे हम लोग मस्ती करते रहते हैं कुछ भी, ठीक है। तो अभी ये बताओ, आप सीएमए कर रहे थे तो सीएमए ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया आपको? तो इसकी एक स्टोरी है। मैंने 2017 में अपना कॉलेज शुरू किया, बीकॉम ऑनर्स का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, शहीद भगत सिंह कॉलेज। एंड मेरे सिस्टर एंड मेरे पेरेंट्स, बिकॉज मेरी सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट की तक तैयारी कर रही थी, तो मेरी एल्डर सिस्टर है वो बन बन गई है, वो लास्ट लास्ट ईयर बन गई थी। सो इसी के थ्रू मुझे फोर्स करना चालू करा कि कुछ शुरू कर ले प्रोफेशनल कोर्स, कॉलेज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कर ले। तो उसी के दौरान वो मेरे को सीए नहीं करना था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वन ऑफ देम इज माय हैंड राइटिंग एंड एंड आई एम मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड गाय, लाइक एंड आई नो देयर आर इन सीए वी हैव गॉट ऑडिट एंड ऑल, एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन राइट अ लॉट, लाइक आई डोंट हैव अ गुड हैंड राइटिंग। सो आई एंड आई सर्च एंड आई गॉट टू नो अबाउट सीएमए, लाइक एवरी सब्जेक्ट इज सेम। एंड ऑल्सो इन सीएमए हम एस सी एम लाइक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं, कॉस्ट ऑडिट वगैरह करते हैं, एंड वो लिटरली बहुत प्रैक्टिकल है एंड यूजफुल है। ऑडिट हर कोई नहीं कर सकता, लाइक ऑडिट के हम लाइक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनने के बाद हमारा मोस्टली काम आता है, बट एक मैनेजमेंट की वर्किंग के लिए, कंपनी की वर्किंग के लिए मेरे को उस टाइम लगा, ही मेरा पर्सनल थॉट था, तो इसलिए मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ सी एम ए की वजह से। मैंने किसी से, बिकॉज नो वन न्यू अबाउट सी एम एट दैट टाइम, इवन इन माई फैमिली और माई डिस्टेंट रिलेटिव, बट I took that step on my own and I'm happy with that now. 2018 में मैंने फाउंडेशन दिया। ओके, सो आप सीएमए इसलिए ज्वाइन कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि उसमें थोड़ा कम लिखना पड़ेगा,
और थोड़ा थ्योरी कंपैरेटिवली कम है सीए के। आप सीएमए ज्वाइन करने के समय ये नहीं सोचे कि उसका जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, उसका आगे का करियर ग्रोथ क्या है, ऐसा कुछ सोचा था? आई कंपेयर टू सिलेबस एंड आई न्यू लाइक सीएमए इज लेस पॉपुलर, इट्स नॉट लेस यूजफुल, इट्स लेस पॉपुलर ओनली. एंड आई कंपेयर द कोर्स, एवरीथिंग वाज इक्वल, इवन इन अकाउंट्स, इवन इन टैक्स, एवरीथिंग. एंड इवन वी स्टडी मोर ऑफ अ कॉस्ट पार्ट. एंड इवन दे एन सी ए दे डोंट इवन हैव अ बेसिक कॉस्टिंग सिलेबस इन देयर फाइनल्स. सो आई इवन फॉर माई सेल्फ आई कंपेयर इट एंड आई like I created CMA to be better course, like even course wise I thought I'm getting better knowledge there. अच्छा, कैसे सर्च करें, मतलब कैसे पता चला फर्स्ट टाइम आपको कि सीएमए बोलकर कोई कोर्स भी होता है? तो पहले तो नॉर्मल गूगल किया था, लाइक गूगल करते करते लाइक वन लिंक, लाइक सबसे इजी तो होता है रेडिट. रेडिट बिकॉज वहाँ जेन्युइन, लाइक जेन्युइन पीपल होते हैं वहाँ पे, लाइक वहाँ पे बॉट्स नहीं होते, वहाँ पे कोई लाइक मीडिया मीडिया कंपनीज नहीं होती जो अपने रिव्यूज डालते हैं. वहाँ पे जेन्युइन आपके मेरे जैसे लोग होते हैं, तो रेडिफ या रेडिट, कोरा, तो यहाँ पे थोड़े जेन्युइन रिव्यूज मिल जाते हैं. मेरे को बहुत आपने सारी क्या चीजें, सवाल पूछा था? तो मैंने स्कोप का पूछा था, जॉब्स का पूछा था. सवाल क्या था कि पहली बार सीएमए कहां से पता चला? आई वाज जस्ट सर मैं बस प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सर्च कर रहा था, तो इंडिया में तीन के बारे में पता लगा. एंड सीएस में मैंने सोचा थियोरेटिकल बहुत है, मेरे को थियोरी पढ़ने में वो दिक्कत नहीं है, इट्स इजी. बट मेरे को पता है मेरी हैंड राइटिंग बहुत हो रही है, इवन वर्स देन डॉक्टर्स, मेरे को पता है. सो लाइक आई एक्सेप्टेड माई हार्ट कमिंग राइट. सो मेरे को पता है मुझे कैसे उसको फिर टर्न करना है, तो मैंने बेटर ऑप्शन चुने अपने लिए. तो मेरे को सीए में मुझे बेटर लगा है, और वो यूनिक था. एंड मेरे को, मैं पर्सनली ऐसा हूँ कि मैं यूनिक चीजों पर जाता हूँ, मेरे को ट्राई करना है, वेदर इट्स फूड, वेदर इट्स समथिंग एल्स, टेक्नोलॉजी, वेदर इट्स एनीथिंग. अगर कुछ यूनिक मार्केट में आया तो मेरे को है कि मेरे को वो ट्राई करना है. पर मुझे ऐसा नहीं है, पर सीए में मेरे को लगा कि जेनरली मेरा कोई करियर का सवाल था, तो ये, और कोई सबको पता भी नहीं था, तो मेरे को मैं ही करता हूँ, सबको पता लग जाएगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आप फाउंडेशन दिए थे अपने 2018 में जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में थे, तब यस सर, बीकॉम में घुसने के बाद सीएमए खोजे थे कि 12 से ही सीएमए खोज लिया था? बीकॉम में घुसने के बाद सर, बीकॉम ऑनर्स कर रहा था मैं, बिकॉज कॉलेज में मैं बहुत इंटरेस्टेड था, मेरे को कुछ और करने का दिल नहीं था, बिकॉज मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में था, फिर इकोनॉमिक सोसाइटी में भी था, तो मजा आ रहा था एक्टिविटीज में वहां पे. हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी बहुत अच्छी थी, अच्छी फेमस भी है संघर्ष नाम से. वहाँ के अभी भी जो मेरे सीनियर्स हैं वो अच्छे अच्छे वेब सीरीज में है, लाइक कॉलेज रोमांस में आपने सुना होगा, एक वेब सीरीज आई थी कॉलेज रोमांस, उसमें जो बग्गा है वो भी मेरे एलुमनाई है मेरे कॉलेज के, लाइक मैं उनसे मिला फेस टू फेस. एंड अभी अनुष्का शर्मा है, वो भी मेरे, वो मेरे इमीडिएट सीनियर्स है, लाइक सोसाइटी में मतलब बहुत अच्छे अच्छे मजा आता था सोसाइटी में. बट थोड़ा मेरा स्कोप अलग था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अलग था, मुझे पता था कि मेरी प्रायोरिटीज अलग है, तो मैंने वो कंटिन्यू नहीं करा. तो मैंने, जब मैं ड्रॉप कर लिया था सोसाइटी से, उसके बाद ही मैंने थोड़ा प्रोफेशनल साइड में शुरू करा. सुपर। सो आप फाउंडेशन में कितना स्कोर किए थे? वेरी तो अराउंड 325. नाइस। तो फिर इंटर की जर्नी में आ गए आप? इंटर तो यस इंटर सर, दोनों ग्रुप एक साथ दिया कि अलग अलग दिया? यस सर. सर इंटर मैंने एक साल का गैप लिया था थोड़ा सा, क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज थी. मेरे पास मेरी दो सिस्टर थे, दोनों मेरे से एल्डर हैं, तो मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनकी मैरिज थी, तो इसलिए थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन एक्स्ट्रा ना हो, तो मैंने एक साल का थोड़ा गैप लिया था. तो उनकी मैरिज के बाद मैंने 2019 जून से मैंने शुरू करी थी प्रिपरेशन, एंड आई वॉज टारगेटिंग 2020 जून. मैं बहुत कुछ की तैयारी कर रहा था, मैं बिकॉज दिल्ली में रहता हूँ, गीता कॉलोनी में रहता हूँ, लक्ष्मी नगर मेरे से खाली 1 या 2 किलोमीटर ही है, 2 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा. मैं तो इंटर की मैं, क्लासेस वहीं लक्ष्मी नगर में जाके की हाँ जी, और दोनों ग्रुप एक साथ दिया और निकल गए। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 23 इंटर ओ, इंटर में भी रैंक था 43? 23 23. 23? ओ, फाइनल में 32, इंटर में 23। सुपर। फिर Yes. इंटर में पहली बार ऑल इंडिया रैंक आया तो कैसा लगा, मतलब क्या
क्या फीलिंग थी उस समय? मेरे लिए रिलीफ ज्यादा था बिकॉज कोविड था, कोविड की वजह से मेरे 3 अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गए थे। मैं 2020 जून में टारगेट कर रहा था, बट मैंने एग्जाम दिया था 2021 दिसंबर में, तो उसकी वजह से बहुत सारा डिले हो गया था। एंड आई वाज रिलीव कि मैं उस टाइम तक थोड़ा सा सोच रहा था मेरे को सेकेंड, क्योंकि थोड़ा सेल्फ डाउट भी हो जाता है क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार पढ़ रहा हूँ और इस बार क्लियर ना हुआ। तो मेरा पहला ही अटेम्प्ट था दिसंबर 2021 में, और एक साइड भी सोच रही थी अगर वापसी हुआ तो मेरे को सेकेंड ऑप्शन में सुनना सिलेक्ट कर दूंगा, लाइक कुछ नया करियर ऑप्शन देखना चालू करूंगा, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया बिकॉज ऑफ कोविड। 3 अटेम्प्ट मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, बट थैंकफुली थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू माय फैकल्टीज एवरीवन, वो क्लियर हो गया। फिर फाइनल में आप आ गए, और फाइनल में आप इंटर्नशिप कहाँ से किए? सर मैंने इंटर्नशिप नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया कोविड की वजह से अटेम्प्ट डिले हो गया था, एंड मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एंड कोविड की वजह से लॉकडाउन था तो बिजनेस सब जीरो हो गए थे। तो मैंने 2020 में प्रॉपर, बिकॉज मेरी बीच में ग्रेजुएट हो गया था 2020 में, तो मैंने जॉब शुरू कर दी थी। मैंने इंटर्नशिप या ट्रेनिंग ऐसे एज सच नहीं करी, मैंने प्रॉपर 3 साल जॉब करी है मैंने, और मैंने एग्जाम भी एक हफ्ते 12 डेज की लीव ली थी, तो 12 डेज की लीव पे मैंने एग्जाम दिए थे इंटर के। फिर आपने 12 डेज का लीव लिया और इंटर का एग्जाम दिया, मतलब ये तो बहुत गजब, मतलब प्रिपरेशन रहा होगा आपका। बिकॉज़ टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गया था, बिकॉज मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता था उस समय बिकॉज बहुत सारे रीजंस थे। फिर फाइनल की तैयारी कैसे स्टार्ट की आपने? तो फाइनल के टाइम पे हमारा सिलेबस चेंज हो गया था, राइट? तो मैं पहले वेट कर रहा था कि न्यू सिलेबस 2022 की कोचिंग शुरू हो, तो मैंने शुरुआत SCM आपसे से, बिकॉज आपका न्यू बैच शुरू हुआ था 2022 अक्टूबर में, आपका लाइव बैच था, आपका शुरू हुआ था, मैंने वो बैच लिया था। एंड मैंने शुरुआत साथ में की थी बिकॉज मैं चाह रहा था कि मैं बड़े सब्जेक्ट शुरू करूँ जो प्रैक्टिकल हो, बिकॉज आई नीड टाइम टू गिव देम, राइट? फिर मेरी आपसे जनवरी में, जैन में या अराउंड जैन में मेरी आपसे कॉल पे बात हुई थी, हमारी व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई थी, बिकॉज मैं तो कंफ्यूज था मुझे दिसंबर 23 देना चाहिए या जून 24। तब आपने सजेस्ट किया था कि 6 महीने का ऐसे लालच मत करो, बिकॉज बहुत प्रूफ की, बिकॉज मेरी कोचिंग खाली 2 सब्जेक्ट्स की हुई थी तब तक, तो आपने कहा था लालच मत करो, आप कोचिंग कंप्लीट करो, अच्छे से एग्जाम दो एंड जून को टारगेट करो। तो मैं बनकर तभी जून डिसाइड किया था। फिर मैं दो दो सब्जेक्ट, बिकॉज मेरी जॉब भी शुरू थी और मेरी US शिफ्ट थी, मैं QS ग्लोबल में वर्क करता था एज अ सीनियर, लास्ट में प्रमोशन हो गया था, मतलब शुरुआत मेरी अकाउंट ऑफिसर के तौर पर थी, तो मेरे क्लाइंट्स US के होते थे, तो मेरी 5 to 2 की शिफ्ट होती थी यूजुअली, तो मैं रात को 2 बजे के बाद क्लासेस करता था अपनी, तो लाइव बैच तो मैंने आपका कभी ज्वाइन कर ही नहीं पाया, हमेशा रिकॉर्डिंग में ही था मैं, तो इसीलिए मैं फिर दो दो क्लासेस करके करता, जिससे काम भी होता रहा, क्लासेस में मिस हो बिकॉज उनके रिविजन एंड उनको लाइक होमवर्क वगैरह प्रैक्टिस नहीं छूटे, ज्यादा मैंने बर्डन नहीं करा। तो ऐसे ही करके फिर मैंने SFM करा, फिर SFM के बाद सर मैंने लॉ साथ में लिया बिकॉज लॉ एक हेक्टिक है, तो लॉ के लिए मल्टीपल रीडिंग्स चाहिए। मैंने सर अपने लिए आई डोंट नो, बट ये मैंने खुद के लिए अपने एक टेक्निक लिए अपने लिए बनाई थी, उसको मैं साइकिल टेक्निक कहता हूँ, और मैं कौन सा उसको टेक्निक? साइकिल टेक्निक थी, मतलब मैंने खुद से बनाई अपने लिए, लाइक इट वर्क फॉर मी, मेरे लिए वो काम करी, और इसलिए इंटरव्यू मैंने उसी के थ्रू करा और फाइनल भी अपना उसी के थ्रू करा। तो क्या है वो साइकिल टेक्निक? सर इट्स लाइक वो मेरे लिए था कि लाइक मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ नहीं करता था, मैं एक सब्जेक्ट, लाइक मेरे एक सब्जेक्ट थे, तो मैंने कोई एक सब्जेक्ट शुरू करा, आई कम्प्लीटेड इट, देन नेक्स्ट सेकेंड सब्जेक्ट करा, आई कम्प्लीटेड इट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ देन एट्थ एंड रिपीट इट, जब तक एग्जाम्स नहीं आते तब तक रिपीट इट, लाइक कुछ 10 डेज का गैप नहीं, कुछ 5 डेज का गैप नहीं, स्पीड ऊपर नीचे हम कर सकते हैं बट गैप नहीं डालना स्टडी में, साइकिल की तरह रिपीट रहता है, लाइक साइकिल का पहिया गोल गोल घूमता रहता है, आई जस्ट रिपीटेड रिपीटेड लाइक साइकिल बन पा रहा, और 2 सब्जेक्ट में कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है, एक को टाइम दो दूसरे को ना दो, ये मेरे लिए वर्क नहीं कर पाता था मेरे शेड्यूल के हिसाब से। तो मैंने लास्ट मेरे रेजिग्नेशन अपना जैन 24 में दिया था, तो उसके बाद मैंने 6 मंथ्स प्रॉपर अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए लगाया फाइनल्स के लिए।
तो 6 months जो पढ़ाई किया आप लास्ट में, उसमें कैसे उठाया, पढ़ाई करने का सिस्टम क्या था आपका? पहले बार साइकिल, स्टार्ट आई किया चोज साइकिल ओनली एज आई टोल्ड यू. जैसे, एक साइकिल बताओ आप कैसे स्टार्ट फॉर किया? एग्जाम्पल आई स्टार्टेड विद लॉक, लाइक आई मतलब लॉक इन, बिकॉज लॉक में टाइम लग जाता है, बिकॉज मैंने स्टडी मेट से नहीं किया था, मैंने सिद्धार्थ सर से लिया था, सिद्धार्थ अग्रवाल सर से. उनका बहुत ही हेक्टिक है, लाइक उनके बहुत ज्यादा बुक्स है, लाइक हमारा स्टडी मेट से भी 3 गुना मोटे उनके बुक्स थे, तो उनका करने में बहुत टाइम लगा. लाइक 1 वीक में लॉ खत्म हुई, देन लॉ के बाद मैंने एच सी एम उठाया, एच सी एम खत्म करी, एच सी एम के बाद मैंने एच एफ एम उठाया, एच एफ एम खत्म करी, एच सी एफ आर उठाया, देन कॉस्ट ऑडिट, देन एच पी एम डी वी, देन रिपीट करा, टैक्स करे दोनों, देन तो रिपीट करा. पहली बार जब पढ़ा तो कहाँ से पढ़ा? इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ा कि क्लास नोट से ही पढ़ा? सर फॉर एग्जाम्पल एच सी एम के लिए मैं बात करूंगा, मतलब एच सी एम आपसे ली थी, मुझे कुछ खोला ही नहीं, मैंने इंस्टीट्यूट मैट में कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को आर टी पी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एम टी पी नहीं देखा, आई सी एम मैंने नहीं देखा, और मैंने पास ईयर के क्वेश्चन भी नहीं देखे, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसी को घुमा घुमा के इतना पक्का कर लिया कि सब हो गया। सब था उसमें सर आगे. और मैंने लाइक एंड एंड पे मैंने थोड़ा, बिकॉज हर बार 40 से 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के पॉसिबल नहीं है करने, तो एंड में थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, मेरे को पता है कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर ले तो सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा. तो एंड एस सी एम मोस्टली कॉन्सेप्ट की और प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है, एस सी एम जिसको प्रैक्टिकली समझ चीजें आ सकती है वो एस सी एम उसको भूलेगा नहीं कभी. फॉर एग्जाम्पल रेलिवेंट कॉस्टिंग, मैंने लाइक क्वांट की बात नहीं, क्वांट थोड़ा सा अलग होता है, क्वांट को बार बार ट्रिक्स याद रखनी पड़ती है, बट जो एक्स सी एम वाला पार्ट है, मैनेजमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग या ट्रांसफर प्राइसिंग, वो सब सर प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात है, वो एक बार आ गई तो वो कोई नहीं भूलेगा. वेरी नाइस। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं वो पास क्यों नहीं हो पा रहे? मतलब आपको क्या लगता है ऑब्जर्व करके, अगर आसपास कोई दोस्त या किसी लोग को पहचाना करा तो उन लोग क्या गलती कर रहे हैं? आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बिग माउथ, बट एक चीज मैंने नोटिस करी है, वो मेरे टाइम भी मेरे तो हमने लाइक इनफॉर्मल ग्रुप बना रखे थे जो रैंडमली बन जाते हैं, लाइक हम ज्वाइन करते थे, अच्छा ग्रुप हमारा बन गया था, तो उसमें मैंने बहुत नोटिस किया कि एक के नोट्स लेके दूसरे के नोट्स लेना ना, सर ऐसा होता है कि तुम्हारे टीचर के नोट मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैं उससे पढ़ता हूँ या उनकी बुक से पढ़ता हूँ, अपनी बुक छोड़ दी, लाइक फिर ट्रस्ट लूज हो जाता है टीचर से, तुमने क्लास ली इरिस्पेक्टिव ऑफ जिस मर्जी, किनसे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आपने किन से भी क्लास ली हो, बट आप एक बार उन पर ट्रस्ट लूज कर देते हो ना, फिर एक के टीचर की क्लास ली, आपने उनके नोट्स लिए, अच्छा उनके हैंड रिटन नोट्स दे दीजिए, लाइक थर्ड पार्टी के फोर्थ पार्टी के हैंड रिटन नोट्स ले लिए, उनके क्वेश्चन आंसर ले लिए, तो जो ना कंफ्यूज होते रहते हो एंड आप ट्रस्ट लूज कर देते हो, देन और आप बढ़ा रहे हो अपने लाइक उल्टा, लाइक जो आपका 1 वीक का सब्जेक्ट है वो आपने 3 वीक्स का बना लिया, इतने सारे मटेरियल इकट्ठा करके, एंड उसी से आप कंफ्यूज होते हो, ट्रस्ट लूज करते हो, नर्वस होते हो, देन आई थिंक ब्रेक डाउन होते हो, क्योंकि इतनी चीजों में बिकॉज थोड़ा बहुत ट्रिक्स में ऊपर नीचे होता है, लाइक सर जैसे हम लॉक की वैल्यू निकालते हैं, कोई 12th से कोई 12 टाइम करता था, कोई 18 टाइम्स करता था रूट, क्योंकि 12th दोनों से आ तो जाता था आंसर, बट अब टीचर टीचर का फर्क है, सबको ट्रिक्स अलग अलग पता है, तो इससे कंफ्यूजन होता है, कौन गलत है कौन सही है, इसके आर्ग्यूमेंट होता है एंड टाइम वेस्ट होता है, और सब सॉर्ट करने में सर ऐसे ही होता है, लेकिन मैंने नोटिस किया और मैं सबको मना भी करता हूँ अपने ग्रुप पे, अभी भी सर मेरा खत्म हुआ, मेरे कई फ्रेंड्स थे उन्होंने लाइक मेरे से बुक्स ली, पर मैंने उनको यही बोला जिनसे क्लास लिया उन्हीं की बुक्स पढ़ना, ये बुक्स तुम्हें रेफर करनी, तुम्हें लाइक मेरी ड्यूटी सबकी हेल्प हो जाए, मेरे को और क्या चाहिए, बस मेरे क्योंकि मेरे को नीड नहीं थी उन बुक्स की अब इतनी, मतलब आपका काम हो जाएगा, बट पढ़ना उनको तभी जब आप सॉलिड हो, लाइक मतलब ऐसी इन्हीं बुक से पढ़ने के लिए अपना पुराना बुक्स मत छोड़ना, मैंने ये सबको बोला. सुपर सुपर मैसेज दिया आपने, ये मैसेज बहुतों के लिए लागू है। और अब मान लीजिए आप जैसे अगर इंटर के स्टूडेंट्स को अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उनका इंटर इजीली क्लियर हो जाए तो वो क्या मैसेज हो सकता है? तो अगर आप कॉलेज में कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो इंटर आपको मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज और या 12th भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो इंटर इज इजी, एएस इंडिया थोड़ा नया आएगा, बाकी कुछ नया नहीं है, लॉ भी आपने नॉर्मल थियरी है, वो फाउंडेशन में भी पढ़ा, उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है,
कुछ नया मतलब इनका डिफिकल्ट नहीं है, दो चार सब्जेक्ट छोड़ के जो नए आएंगे आपके लिए, तो आपका मेन बेस अच्छा है अगर, तो आप ऐसा मत सोचो कि सब कुछ नया बहुत वास्ट है, सब बेसिक है, अकाउंट भी बेसिक है, प्रैक्टिकल नॉलेज वाइज है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज उसको समझ के करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है अकाउंट्स में भी ऐसा कुछ, कोई कॉन्सेप्ट या कोई ऐसी फंडामेंटल चीज नहीं जो आपको याद रखनी पड़ती है। मेन चीज यही है कि सर हम चीजों को याद रखने के लिए याद करते हैं ना कि हमें याद रखना है, तो वो बर्डन बन जाता है और वो भूल जाते हैं, चीजों को डेली यूज लाइफ के यूज में आप लेके चलोगे तो नहीं लगेगा बर्डन। और अगर आप बीकॉम वगैरह साथ में कर रहे हैं या कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको उल्टा हेल्प मिलेगा, ये साइनर्जीज है, ये आपके साथ साथ चलेंगी और ये कॉन्सेप्ट ईजी है। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो फाइनल पास करने के बाद जब इंटर वाला सामने आता है, अरे चल इंटर में घबरा रहा है, बट इंटर वाला सोच रहा है भाई मेरा ये लोड कैसे निकलेगा, उसको फाउंडेशन वाला को देख के लग रहा है चल फाउंडेशन में घबरा रहा है, फाउंडेशन वाला फाउंडेशन देख के घबरा रहा है, वो 12th वाला को सोच के बोल रहा है चल 12th में कुछ है। तो ये एक सबके लिए एक जस्ट फन फैक्ट है कि सबको अपने नीचे वाला एक बार इजी लगेगा, लेकिन जो उस जर्नी में होता है उस वो पता नहीं घबरा रहा होता है। तो ऐसे लाइफ में भी जैसे मान लीजिए आप जॉब वॉब अभी खोजेंगे, अब आपको वो जर्नी भी डिफिकल्ट लगेगा, अरे बट जो लोग आपसे और 5 साल आगे निकल गए उनको लगेगा अरे कुछ नहीं है मिल जाएगा। आई अग्री सर, आई अग्री, बट मैं फाउंडेशन का भी बता रहा हूँ, बिकॉज फाउंडेशन मैंने फिर उस पर मैथमेटिक्स के कुछ स्टैट्स कुछ नया था, तो मैंने वो जो ओरल क्लासेस हमें इंस्टीट्यूट फ्री देता है मैंने वो ली थी, खाली कोर्ट की ली थी, बाकी मैं ऑलमोस्ट बिना पढ़े ही मैंने फाउंडेशन दिया था, क्योंकि तब तो मैंने बताया था कि मैं सोसाइटीज में था, तब तो मेरा थोड़ा एटीट्यूड अच्छा नहीं था, बट क्योंकि वो सारा 12th पे बेस्ड था, वो सारा 12th पे ही बेस्ड था फाउंडेशन हमारा सारा। आपका सिलेबस चेंज हो गया तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट अभी सर भी वैसे इंटर भी सर मोस्टली अगर आप ग्रेजुएशन साथ कर रहे हैं या अपने 12th का बेस आपका अगर अच्छा है 12th का बेस, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए अकाउंट साइड में या कॉस्ट साइड में, थोड़ा कॉस्ट के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, बट है वही चीज कैलकुलेशन। चलिए अभी क्या करते हैं, हमारे साथ भी आज जो सेशन में भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, इसमें से एक बच्ची हमारी सीए की भी इंटर की स्टूडेंट है, तो लेट्स ओपन द क्वेश्चंस फॉर देम। आप लोग को क्या परेशानी होती है जो आप इनसे पूछना चाहोगे? चलिए अभी क्या होता है ना, मैं तो बार बार बोलते रहता हूँ ये करो वो मत करो ऐसा करो वैसा करो, वो अलग जगह है, बट वैभव हमारे आप सुन ही लिए किस तरह से अचीव करके आगे आए हैं, तो आपको कुछ भी सवाल इनसे पूछना है, सीएमए फाइनल के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ओके कोई को भी किस कोई सवाल पूछना है यहाँ पर, शुभमय हेलो, आवाज हेलो, हाँ हाँ सर, मेरा सवाल है कि मेरा अभी तक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है और सब्जेक्ट हो रहा है, हम दिसंबर में मेरा एग्जाम है, तो मैं पास कैसे करूँ, यही आपकी एडवाइस लेना चाहते। बताइए वैभव। अगर आप जैसे इंटर के लिए आप बोल एक एक ग्रुप करके कर रहे हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा सिलेक्टिव, अगर आप मैं आपने पास करने का पूछा मैं यस इसका सजेशन दे ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे सिलेक्टिव स्टडी काम नहीं आती, सर को भी पता हमारा सिलेबस होता है 1000%, पर पेपर में सिर्फ 100% का ही आ सकता है, राइट। आप सिलेक्टिव स्टडी में ये करोगे नहीं, तो टोटल ही लक की बात हो जाएगी, एंड देन उसमें खेलना अच्छी बात भी नहीं है, तो आप 100% से ही तैयारी करो। अगर हाँ वन ग्रुप कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, देन आप बोथ ग्रुप की तैयारी जून के लिए कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कोचिंग ही खत्म नहीं हो पाएगी, तो हाफ बेक्ड होके फायदा नहीं है, वो टेस्ट भी अच्छा नहीं आता केक का, एंड देन वेस्ट मटीरियल भी वेस्ट होता है। आप पूरा तैयारी करो, अगर एक ग्रुप नहीं हो पा रहा है इट्स ओके, आप जून तक के बोथ ग्रुप कर सकते हो। यस अभी स्कूल क्या चल रहा है तुम्हारा शुभमय? सर कॉस्ट तो खत्म हो गया और अकाउंट हो रहा है और टैक्स हो रहा है लॉ,
लॉ अविष्टान में ही हुआ, दो चैप्टर हुआ, टैक्स और अकाउंट हो रहे हैं। हमारा शेड्यूल के हिसाब से कब खत्म हो रहा है सारा कोर्स? सर शेड्यूल के हिसाब से तो सितंबर लग रहा है। सितंबर में होगा, और शेड्यूल कितने आप चल रहे हो अभी? हाँ हाँ नहीं, एक बार आपका शेड्यूल चेक करवाइएगा। हाँ सर ठीक है, मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगा। एक्चुअली क्या है वैभव, हमारे पास, हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है वन स्टॉप पास सिस्टम। इसमें क्या होता है, अपने हर स्टूडेंट का शेड्यूल मॉनिटरिंग करते हैं और उनको वीकली ऐसे बुला के रिव्यू करते हैं और उनको अलग अलग स्ट्रेटजीज और टिप्स देते रहते हैं जिससे कि वो कोर्स टाइम पे ख़त्म कर ले। नॉर्मली क्या होता है, क्लासेस लेने के बाद बहुत सारे लोग अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, फिर वो वापस आते तब तक देर हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स मेहनत कर लेते हैं साइमल्टेनियसली साथ साथ, उनका निकल जाता है। बट इसमें भी कई बार इतना करने के एफर्ट बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे साथ कोई है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा ही वीक है, मेबी बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऑनलाइन फ्रेंड बहुत ज्यादा हो गया, तो सर हम आपस में बात नहीं कर पाते लोग, तो इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्टिज्म ज्यादा हो गया, एक्सट्रोवर्ट लोग बहुत कम है, जो है वो ठीक है बस बहुत कम है आज के टाइम पे, और इंट्रोवर्ट लोग बनते जा रहे हैं क्योंकि बात करने के लिए कोई होता नहीं है, वो अकेलेपन में थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस जल्दी लूज हो जाता है, कोई बूस्टअप करने के लिए नहीं होता। यस, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ प्रभात, ये लाइन जो सर बोले अभी, ये मैं महसूस करता हूँ अकेले रह के। देखो सब चीज पे काम करना पड़ता है, हर एक चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो आपको मैं अपना बात बता दूं, आप मेरे को क्या समझते हो मेरे को मालूम नहीं, बट मैं भी बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट ही था। तो मेहनत करते करते, कोशिश करते करते आप आगे बढ़ते हैं, और हर एक चीज़ पे काम करना पड़ता है। हर एक चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो दूसरा चीज़ छोड़ जाते हैं। दुनिया इतना बड़ा है, ठीक है, जैसे आप मान लो स्विट्ज़रलैंड घूमने जाओगे तो आप बोलेगा अरे 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 हम स्विट्ज़रलैंड आ गए, मेरा तो कोलंबो जाना छूट ही गया। तो कहीं जाओगे तो कहीं छूट जाएगा। पढ़ाई करने आओगे तो गेम खेलना छूट जाएगा, गेम खेलने जाओगे तो पढ़ाई करना छूट जाएगा, सेशन में आओगे तो दोस्तों से मिलना छूट जाएगा, दोस्तों से मिलने जाओगे तो सेशन छूट जाएगा। दुनिया में इतना सारा चीज़ है कि आप सब कुछ कर ही नहीं सकते, और कुछ भी चीज़ करने जाएंगे तो कुछ चीज़ मिलेगा, कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, समझ गए? तो अपने को हर चीज़ के लिए थोड़ा 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 समय निकाल के इम्प्रूव करना अपने आप को। ऑल राइट, तो वैभव थोड़ा सा ये बताइए, आप हमारे यहाँ पे पढ़े, आपको पढ़ाई करके कैसा लगा, कुछ क्लासेस के बारे में रिव्यू दीजिए। अच्छा लगा, मैं बस बोलने वाला था, जैसे कि अभी आपने बोला कुछ करना कुछ छूट जाता, मेरे को रेलेवेंट कॉस्टिंग ज्ञान आ गया जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ वेरी नाइस, अच्छा रिलेट। तो यही आप तो सर, मेरे को आपका एक्सचेंज मशीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आपने इसको ना कॉन्सेप्ट से ना इसको रटने का चीज नहीं होता बनाया, आपने इसको प्रैक्टिकल बताया, जैसे मैंने बताया अगर चीज प्रैक्टिकल रहती है डेली यूज के काम में आती है तो नहीं बंदा भूल सकता, उल्टा वो कॉन्सेप्ट बनते ध्यान में रहता है, हम आगे वो चीज लैंग्वेज की तरह पास कर पाते हैं। तो मुझे ऐसे भी लगा क्योंकि आपने उसको लाइक फॉर्मूला से बताया कि फॉर्मूला याद कर लो या कुछ कर लो, अगर वैसा होता तो फिर वो एक नॉर्मल चीज होता, वो बर्डन रहता और वो फिर याद करने वाली चीज बन जाती है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से हम कर पाएंगे, राइट? तो चाहे वो ट्रांसफर प्लानिंग हो, रियल लाइफ की चीजें, जितने हमारा एक्सएम सब्जेक्ट है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है जो असल में रोजमर्रा की कंपनीज में काम होता होगा, राइट? बी इट आई टी सी कॉस्टिंग, जो कंपनी वो काम करते होंगे ट्रांसफर प्लानिंग का, और उनको यही प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो सर आपने प्रैक्टिकल सेंस में समझाया और वही चीज होनी भी चाहिए, तो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा वो, और चीजों को ग्रैस रखने के लिए। और बाकी आपको सपोर्ट सिस्टम वगैरह पोस्ट क्लासेस, सर मुझे आपके पीडीएफ नोट्स बहुत हेल्पफुल थे, बिकॉज़ एज आई टोल्ड यू माय हैंडराइटिंग इज नॉट वेरी बैड, एंड मुझे पता लगा कि आप नोट्स बनाते हो एंड वो आप देते हो नोट्स, तो फिर मैंने खुद से बनाना भी बंद कर दिया था। शाबाश, तो हैंडराइटिंग बैड है, बैड और फिर ऑल इंडिया रैंक ले आया, मतलब क्या मजाक लगा रहे हैं?
डायरेक्ट हाई कोर्ट की हियरिंग्स के नाम पूछ लिए थे। अच्छा, तो वो तो थ्योरी को दो थ्योरी पेपर्स थे, तो उन्हीं में मेरे लाइक बिलो 50 मार्क्स आए हैं। लाइक जो प्रैक्टिकल थे लाइक एसपीएम बीवी उसमें 81 आ गए। लाइक एसएफएम जैसे था, एसएफएम था, एसएफएम में तो मेरी पर्सनल मिस्टेक थी कुछ, मैं टाइम का हिसाब नहीं कर पाया था एंड मैं एक ही क्वेश्चन पे 45 मिनट्स, मतलब एक चैलेंज की तरह लगे इससे हो जाता है ना, बिकॉज आई वॉज मेरा बेस्ट सब्जेक्ट एसएफएम था। तो उसके चैलेंज कर लेके मैं 72 करके 72 मार्क्स का ही सिर्फ अटेम्प्ट करके आया था, तो उसमें भी 65 आ गए थे। तो लाइक एंड लाइक आपका आपका राइटिंग का कोई मुझे सैंपल भेजेगा जरूर। यस सर, कोई समरी नोट्स बना रखा हो तो मैं देखना चाहूंगा कितना खराब हैंडराइटिंग है और फिर कितना मार्क्स आ रहा है आपका। श्योर सर, वेरी नाइस। और किसी को कुछ पूछना है? तुमको कुछ पूछना है? हां, बस कांग्रेचुलेट। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेट करिए, मुस्कान है, सीएमए फाइनल देगी अभी। चलिए, वेरी नाइस, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू वैभव, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर अहेड। एक हमने वीडियो बनाया व्हाट आफ्टर सीएमए फाइनल अभी रिसेंट में, उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। ऑल राइट, चलो टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।